हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं भारत में पहली बार से टॉप 85 क्वेश्चन का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, किस राज्य में देश का पहला बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है, और यहां से इम्पोर्टेंट है इसका उद्देश्य। याद रखिएगा, ये पार्क चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए अनुसंधान, विकास, समर्थन, परीक्षण व मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। भारत और किस देश के बीच पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका मालदीप, यानी कि ऑप्शन सी। भारत और मालदीप द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना विमान के इतिहास में पहली बार दो महिला अधिकारियों, जिनके नाम हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी सिंह और रीता सिंह, को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल किया गया है। खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। दोस्तों, इस कदम का उद्देश्य ग्राहक सिगरेट पैकेजिंग पर अनिवार्य ग्राफिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी को देख सकें, ऐसा इसलिए किया गया है। कहां बच्चों का पहला अखबार जिसका नाम है द यंग माइंड्स लॉन्च किया गया? आंसर इसका असम। दोस्तों, ये अखबार बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने एवं लिखने की आदत को पैदा करेगा। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इसका कर्नाटक। कर्नाटक के कोप्पल में दोस्तों, इसमें 5 वर्षों में 40,000 रोजगार सृजित करने और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित करने की क्षमता होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इसका उषा पाड़े, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, उषा पाड़े जी एक IAS ऑफिसर हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका एम बीरा लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन ए। और दोस्तों, इन्हें कहां नियुक्त किया गया? तो इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका केरल। दोस्तों, यह पहल महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाने के लिए और लिंग समानता को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। और याद रखिएगा, इसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। किसने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप, जिसका नाम है एन जोगो, को लॉन्च किया? सही आंसर है हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ये युवाओं को कोविड-19 महामारी के बीच प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम बनाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई। कहां देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर है इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, ये हेलीकॉप्टर और लैंड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ लंबी दूरी की आपातकालीन चिकित्सा परिवहन में सक्षम है।
टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे लॉन्च की? राइट आंसर इसका SBI यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों SBI खाताधारक भुगतान यानी कि पेमेंट करने के लिए टाइटन पे घड़ी को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट POS मशीन पर टैप करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये योनो SBI द्वारा संचालित है। अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमिताभ बच्चन यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा अमेजन, इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय सिएटल USA और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? राइट आंसर इसका देवलाली यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू हुई और ये बिहार के दानापुर तक चलेगी। दोस्तों किसान रेल फल सब्जियों आदि सामान लेकर जाएगी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के उत्तराकाशी में इसे खोले जाने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? राइट आंसर है इसका मुंबई। मुंबई में दादर ट्रैफिक सिग्नल, याद रखिएगा मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका पेटीएम यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, स्थापना 2010, मुख्यालय नोएडा। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? राइट आंसर इसका मणिपुर यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों मणिपुर में इजाई नदी के पार इस पुल को बनाया जा रहा है, इसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर। किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है आदित्य। याद रखिएगा भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य और इसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नई दिल्ली। याद रखिएगा इसे नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में खोला गया है। इसमें 5 तरह के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान करेंगे। बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता यानी कि ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? राइट आंसर इसका आनंद। दोस्तों गुजरात के आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। यहां शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों के पदार्थ अवशेषों एवं एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? राइट आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा के सोहाना के पास इस सुरंग में एक डबल कंटेनर माल ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में सक्षम होगी। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकिन पार्क विकसित किया है? राइट आंसर इसका उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों लाइकेन यानी कि कवक, याद रखिएगा कवक प्रदूषण को हटाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका सी रंगराजन। याद रखिएगा RBI के पूर्व गवर्नर हैं चक्रवर्ती रंगराजन। बात करते हैं PC महालनोबिस की, इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसने संस्कृत में पहला ऑनलाइन समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया? राइट आंसर इसका ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों ये 20 मिनट की अवधि का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट्स का किसने लॉन्च की? राइट आंसर इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू जी ने। कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन
देश का पहला राज्य बना है? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? आंसर है इसका छत्तीसगढ़। दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं, उनके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई। ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा ये पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसकी लंबाई होगी 473.25 मीटर, यानी कि 473.25 मीटर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा ये 2 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? आंसर है इसका नागपुर। और याद रखिएगा इस मशीन का नाम है आत्मा, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। इसे COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थापित किया गया। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका झारखंड। इसमें शहर क्षेत्र के गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इसका हमारे वर्तमान जहाजरानी एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और इसका आयोजन किया है दोस्तों फिक्की ने, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। और इसका नाम है ai.gov.in। COVID-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है इसका दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन सी। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका भारत के प्रसिद्ध गीतकार कवि एवं लेखक जावेद अख्तर। दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? राइट आंसर इसका कर्नाटक। दोस्तों ये 114 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। याद रखिएगा वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि 1366 मीटर लंबा है। कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसे बनाया जा रहा है। और अब आपको याद रखना है दोस्तों हुबली जंक्शन, इसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए। भारत का पहला कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना है? राइट आंसर है इसका NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। COVID-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 48 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीडीओ के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? राइट आंसर इसका कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। सबसे पहले याद रखिएगा केवाईसी, इसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसकी स्थापना की गई 2003 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, और इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12 का परिचालन शुरू किया, इसे कहां बनाया गया है? आंसर है इसका मधेपुरा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में इसे बनाया गया। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हर नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने की घोषणा की महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? याद रखिएगा फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। दोस्तों फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। कौन जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गूगल के साथ हाथ मिलाया। इस किचन में डेली 12 लाख फूड पैकेट बनाने की क्षमता है। भारत की पहली COVID-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों इस लैब को DRDO ने बनाया और इसकी क्षमता एक दिन में 1,000 से ज्यादा नमूना परीक्षण करने की है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जाती है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना? सही आंसर इसका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली यानी कि हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहां स्थापित की गई? आंसर इसका ऋषिकेश। याद रखिएगा एम्स ऋषिकेश ने BHEL के साथ मिलकर भारत का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। दोस्तों BHEL इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। COVID-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है इसका केरल। दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी, इसमें ऐसे मरीजों को लिया गया जो COVID-19 से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, फिर उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकालकर उस पर रिसर्च किया जाता है, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट बनाया जाता है, तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। COVID-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन ए। अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा टेसर गन ये एक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है जो अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्य को गंभीर चोट के बिना दर्द को कम करने के उद्देश्य से दिया हुआ बिजली का एक झटका है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? राइट आंसर इसका नुपुर कुलश्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1978, मुख्यालय नई दिल्ली। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा ये इस बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। IDFC फर्स्ट बैंक स्थापना 2015, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां आरंभ हुई? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों में निशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की। पहली है सॉल्ट लेक सिटी के IT पोस्ट ऑफिस में और दूसरी है न्यू टाउन
के एक्शन एरिया में पोस्ट ऑफिस में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आंसर है इसका कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा इस संग्रहालय में है क्या, तो इस संग्रहालय में ऐतिहासिक और साथ ही साथ घरेलू सामान है जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई प्लेट, हड़प्पा युग के कटोरे, सभी आकृति और आकार के बर्तन। कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने? राइट आंसर इसका रंजन गोगोई, यानी कि ऑप्शन बी पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। कौन सात ज्वालामुखियों के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने? राइट आंसर इसका सत्यरूप सिद्धांत। दोस्तों पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सात महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय के रूप में शामिल किया गया। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? याद रखिएगा दोस्तों बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य। राइट आंसर है इसका पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए। भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? आंसर इसका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। COVID-19 के लिए सेल्फ असिस्टमेंट टूल को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है इसका गोवा। दोस्तों इस टूल को योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। ये टूल्स लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। रेलवे ने पहले रेस्तरा ऑन व्हील्स यानी कि रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका आसनसोल, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? राइट आंसर है इसका MA यूसुफ अली। दोस्तों ये ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए होता है। यूसुफ एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। भारत के पहले तैरते घाट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? राइट आंसर है इसका गोवा, यानी कि ऑप्शन डी। किस राज्य ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की? दोस्तों ये अपनी तरह का भारत में पहला सस्पेंशन ब्रिज होगा और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड में देश में अपनी तरह के पहले ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन को मंजूरी दी गई। ये पुल ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। दोस्तों इस पुल को प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा और इस ब्रिज का फ्लोर ग्लास का होगा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? राइट आंसर इसका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इसका मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कर रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद लगभग 100 मीटर लंबा होगा ये पुल। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर इसका निर्माण हो रहा है। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली स्क्वाट मशीन लगाई गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों स्क्वाट इसका अर्थ है हिंदी में दंड बैठक। अगर कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाट पूरे करता है यानी कि दंड बैठक पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देगा। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है इसका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। दोस्तों ये बस मुंबई से पुणे के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई और इस बस में 43 सीटर क्षमता वाली ये एक लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? आंसर इसका 27 फरवरी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया गया। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? राइट आंसर इसका बाला देवी, यानी कि ऑप्शन ए।
किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? राइट आंसर इसका विनोद कुमार शुक्ल। इन्हें इनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? आंसर है इसका व्योम मित्र, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पहचानने और उनके प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। यूपीआई भुगतान सेवा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? राइट आंसर है इसका रिलायंस जियो, यानी कि ऑप्शन सी। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि को लीज पर दिया जा सकता है। किसानों को उनकी जमीन का किराया भी मिलेगा। कोई भी संस्था, कंपनी या फर्म या फिर एनजीओ 30 साल के लिए भूमि को लीज पर ले सकती है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? आंसर है इसका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी घोषणा की है कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन हुआ है? आंसर इसका केरल, यानी कि ऑप्शन सी। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर है केरल। याद रखिएगा CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। चित्रदुर्ग जिले के चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। ये केंद्र 3 वर्षों में शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।